हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना तोमर स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हॉट डॉग की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें डो लगाकर रेडी करना है, तो गुनगुना पानी लेंगे और इसमें चीनी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे उसे। और अब हम ड्राइस डालेंगे, अच्छे से मिक्स करके इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढककर। 5 मिनट बाद फर्मेंट हो गया है ये, और अब इसमें हम डाल देंगे मैदा। थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने। अब हल्के हाथ से इसका सॉफ्ट डो लगाकर रेडी करना है, काफ़ी सॉफ्ट होता है ये। थोड़ा थोड़ा पानी गुनगुना हमें इसमें डालना है, ध्यान रखें पानी गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए बस। अच्छी तरह से इसको मसल कर हमें अभी अच्छे से नीड करना है इसको, ये देखिए। और साथ ही इसमें हम 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर डाल देंगे, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए बटर, ध्यान रखें। अच्छी तरह से इसको नीड करेंगे बटर के साथ तकरीबन 5 मिनट। अब एकदम सॉफ्ट डो हमारा बनकर तैयार हो गया है, तो जिस भी बाउल में रखना है हमें इसको अच्छे से ऑयल लगा दिया मैंने, और यहाँ पर इसको भी जो डो को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, और अब इसे ढककर रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद फूल कर जो डो है वो एकदम डबल हो गया, ये देखिए। तो अब इसे सूखे मैदे के साथ नीड करेंगे अच्छे से मसल मसल कर। और इस तरह से इसको फैलाते जाएंगे, और साथ साथ हल्का सा मैदा लगा देंगे जिससे चिपके नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है। और अब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने, देखिए 5 बन जाएंगे इससे हमारे हॉट डॉग। तो इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर सारी लोइयाँ हम रेडी कर लेंगे इसकी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो ये देखिए, अब सारी लोइयाँ मैंने रेडी कर ली हैं। अब मैदा इस तरह से सूखा मैदा लगाकर अच्छे से इसको पतला पतला बेल लेना है हमें। अच्छी तरह से इस तरह से फैलाकर बेलने के बाद अब इसे इस तरह से टाइट टाइट हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। देखते जाइए आप कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल टाइट फोल्ड कर रही हूँ। और साइड से ये देखिए, जहाँ पर हमने बंद किया है उसको इस तरह से पिंच करते जाएंगे, अच्छे से टक कर लेंगे। यहाँ साइड जो कॉर्नर्स हैं उसको भी फोल्ड कर देंगे हम, ये देखिए इस तरह से टक कर लेंगे इसको। बहुत ही इजी तरीका है ये। और इस तरह से घुमाकर अब हमारा इस तरह हॉट डॉग ब्रेड जो है वो हमने एक रेडी कर लिया, ये देखिए। अब यहाँ पर मैंने ट्रे में, बेकिंग ट्रे में लगा दिया है पेपर, बटर पेपर, और बस उस पर ही हम इन सबको बनाकर रखते जाएंगे। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें करना है, सारे हॉट डॉग ब्रेड बनाकर रेडी कर लेना है इस तरह से, ये देखिए। अब इसको 10 मिनट के लिए ढककर रखेंगे, 10 से 15 मिनट इतने। मैं ये OTG में बना रही हूँ, OTG प्री हीट करने के लिए लगा रही हूँ मैं 10 मिनट्स के लिए। देखिए अब 15 मिनट में ये अच्छे से, ये देखिए काफ़ी डबल हो गए हैं। तो अब यहाँ पर चीनी और दूध मिक्स किया है मैंने अच्छे से, और इस पर जो ब्राउन कलर ऊपर का आएगा ना, वो शाइनी, वो इसी वजह से आएगा। तो ऊपर हम इस तरह से ब्रशिंग कर देंगे। OTG हमारा प्री हीट हो चुका है, तो अब इसको लगा देंगे हम 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं कितने बढ़िया ये फर्स्ट क्लास तैयार हो गए हैं। देखिए अब इन पर बटर लगा देंगे, शाइनी एकदम हो जाएंगे ये, और बस ये टॉवल से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट ये तैयार हो गए हमारे हॉट डॉग ब्रेड तैयार है। अब मैं एक आपको बनाकर बताती हूँ। मैंने पनीर की स्टफिंग बना रखी है, देखिए ब्रेड कितनी बढ़िया बनी है, अंदर ग्रीन चटनी लगा दी है और पनीर की स्टफिंग लगा दी है, और ऊपर से हम क्रीम चीज़ से इसको गार्निश कर देंगे। तो पनीर हॉट डॉग रेडी है, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।